नमस्ते, मैं अंकुश यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ, जिसमें अपन बात करेंगे कि बिना पैसे कमाए लाखों रुपए, जीरो इन्वेस्टमेंट, एक भी रुपए खर्च नहीं होगा आपका और आप लाखों करोड़ रुपए कमाएंगे कैसे। कैसे कमाएंगे मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आपसे, आंसर भी मैं ही कर दूंगा, आपको टाइम दूंगा, उतने टाइम आप कमेंट कर देना। तो आप मेरे को सबसे पहले ये बताइए कि आप खेती करते होंगे, आप फार्मर हैं, तो खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, जो खेती होती है फार्मिंग करने के लिए, आप क्या अपने आप, आपका खेत है आपके पास 4-5 एकड़ पुश्तैनी खेत है, उसमें अपने आप धान तो नहीं उगेगी ना, गेहूँ तो नहीं उगेगी ना, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले गेहूँ के बीज खरीदना होगा, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले तो वो खरीदना पड़ेगा ही, गेहूं के बीज तो खरीदना पड़ेगा, आपने गेहूं के बीज खरीदे, उसको बोए, ठीक है, फिर वो उगे, उनको कटवाए, उनका उनमें खादू छिड़के, उनमें कीटनाशक छिड़के, तब जाके क्या हुई, गेहूं बढ़ी, मतलब गेहूं की फसल आई, तब जाके आपने उस गेहूं की आई तो उसको बेचा और आपके पास पैसा आया, ठीक है, आपके पास मनी आई, कैसे आई, गेहूं लगाए, गेहूं उगाए, उसको काटे, उसमें मतलब जो भी आपने किया, आपने जब पैसा खर्च किया अपने खेत में, आपने गेहूं खरीदने के लिए पैसा लगाया, आपने उसको उगाने के लिए, उसमें डालने के लिए ट्रैक्टर वालों को पैसा दिया होगा, आपने कीटनाशक डालने के लिए पैसा दिया होगा, मतलब आप खेती भी कर रहे हैं तो पैसा लगा रहे हैं ना, मतलब आपको खेती करना तो अभी आपको पैसे लगाने पड़ेगा, चलो खेती तो बहुत बड़ी बात है, आपको अगर चाय का ठेला खोलना है, आपको चाय का ठेला खोलना है तो भी आपको छोटा प्राइस भी लूँगा, छोटे से लो से लो इन्वेस्टमेंट, तो 5,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा चाय के बिजनेस में, 5,000 रुपये। देखो बहुत से ऐसे रेयर बिजनेस होते हैं, एक दो बिजनेस होंगे जिनमें आप जीरो इन्वेस्टमेंट के पैसे कमा सकते हैं, और बाकी तो जीरो इन्वेस्टमेंट की नौकरी ही हो सकती है ना, दूसरों की गुलामी हो सकती है जीरो इन्वेस्टमेंट के, और कुछ नहीं हो सकता कोई प्राइवेट में, गवर्नमेंट में तो पढ़ाई करना पड़ेगा, चलो आप ये सब छोड़ो, आपको बिजनेस करना ही नहीं है, आपको किसी फील्ड में जाना, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, एक मिनट, आप कर रहे हो स्टडी, पढ़ाई, ठीक है, आप स्टडी कर रहे हो, आपके पास कॉपी होगी, मान लो आपके पास 2 ही कॉपी है, 100-100 पेज की, मान लो 25-30 रुपये की भी आई, तो 2 कॉपी 30-30 के हिसाब से कितने की, 60 रुपये की, आपने कॉपी खरीदने के लिए 60 रुपये लगाए, बुक खरीदे आपने 100 रुपये की, आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में 100 रुपये की बुक खरीद लिए, तो एक मान लो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और कुछ नहीं पढ़ रहा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें 2 कॉपी लग रही है, 1 बुक लग रही है, पेन लग रहा है, और वगैरह वगैरह जो भी आपका मेन पार्ट्स रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपने मोटा मोटा 200 रुपये खर्च कर दिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में, कि आपको गारंटी है कि आपकी आगे चल कर नौकरी लगेगी, आप बन जाएंगे कलेक्टर, IAS बन जाएंगे आप, IPS बन जाएंगे आप, चलो इतने छोड़ दो, आपको गारंटी है कि आपको ट्यून की जॉब भी मिल जाएगी, पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना पढ़ाई में भी, कि कोई मतलब आपको भी नहीं पता कि लगेगी नहीं, लेकिन एक चांस कि हाँ भाई पढ़ेंगे अच्छे से तो लग जाएगी, अब कुछ ये पढ़ाई वालों के लिए था कि कोई गारंटी है नहीं कि 100% की नौकरी लगी जाएगी, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको एक भरोसा है खुद पे कि लग जाएगी, हम पढ़ेंगे अच्छे से तो लग जाएगी, तो जब तब वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे टाइप के भी होते हैं, मतलब पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ बिजनेस माइंडेड भी होते हैं, या जिनको पता होता है कि वो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता होता है कि वो स्टडी से गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाएंगे या प्राइवेट जॉब नहीं ले पाएंगे, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं और वो धंधा पानी पे ध्यान देने लगते हैं, अब कुछ लोग धंधा पानी पर ध्यान देते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो मजदूर बन जाते हैं, दैनिक मजदूरी पे काम करते हैं, अब मैं बात करता हूँ उन लोग की जो बिज़नेस करना चाहते हैं, मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने बहुत साल नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग किया 2 साल, तो बहुत सारे बंदे मेरे पास ऐसे मिलते हैं मेरे को कि वो बोलते हैं भैया सर वो सब तो ठीक है, हमने सुन लिया कि आपके इस बिज़नेस में हमको 1,00,000 रुपये महीना मिल सकता है, आपके इस बिज़नेस से मैं 2,000 रुपये दिन का कमाऊंगा, लेकिन मेरे को पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको 10 रुपये नहीं दूंगा, तो मेरे को बस एक चीज़ ये बताइए, आपकी आप चाय का ठेला खोलेंगे, आप खेती करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, आप कहीं ना कहीं पैसे तो इन्वेस्ट करेंगे ही ना,
पैसे तो इन्वेस्ट करेंगे ही, दुनिया में, दुनिया क्या वर्ल्ड, दुनिया क्या इंडिया, भारत, दुनिया पूरे पूरा यूनिवर्स है, कहीं पे आपका फ्री फोकट में कोई सा ऐसा बिजनेस नहीं है या कोई सी ऐसी चीज़ नहीं जहाँ पे आप बिना इन्वेस्टमेंट किए कुछ कर सको। आपको पढ़ाई करना है तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मजदूरी करना तो भी आपको गेंती फावड़ा खरीदना पड़ेगा, आपको चाय की दुकान खोलना तो आपको उसका सामान खरीदना पड़ेगा। तो ये भूल जाएगी जीरो इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है। आप कोई सा बिजनेस कर लीजिए, आपको मार्केटिंग में जाना है तो भी आपको ऐसी कोई कंपनी नहीं मिलेगी जो आपको जीरो पैसे पे अपने पास रख के मतलब आपको बिजनेसमैन बनाएगी। वो सिर्फ मतलब आप नौकरी करना चाहते हैं तो वो ठीक है, उसमें तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। आप जाओगे नौकरी मिल जाएगी, हो गया बस, आपको आने जाने खर्च लगेगा वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है, नौकरी करने जाना भी एक इन्वेस्टमेंट ही है। आप जाओगे आओगे इसका पैसा कौन देगा, इंटरव्यू में जाओगे इसका पैसा कौन देगा, खर्च कर रहे हो ना पैसे। तो दोस्त आपको ये बोलूँगा कि जब भी कोई आपको एक अपॉर्चुनिटी लेके आए आपकी लाइफ में, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, या कोई आपको दोस्त कोई स्टार्टअप आइडिया बताए, तो उसको पैसों के बेस पे ये मत बोलिएगा कि नहीं पैसे लग रहे हैं मैं नहीं करूँगा। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, अगर प्रफुल्ल बुल्लर 8,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करता, उसने 8,000 रुपये का इन्वेस्ट करके MBA चाय वाला दुकान खोला था, अगर वो 8,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करता तो आज उसकी 10 करोड़ रुपये सालाना टर्नओवर वाली कंपनी नहीं बनती, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 100, 50, 1,000, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके आज लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग आज 100 रुपये इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं। अपन स्टॉक मार्केट में 100 रुपये नहीं लगाएंगे। बहुत सारे रियल 90% यूथ ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में 100 रुपये नहीं लगाएंगे, सिर्फ उनको 100 लगाने को बोलेंगे तो भी नहीं लगाएंगे वो, लेकिन बुरा आने वाली चीज़ नहीं। लेकिन वही यूथ आज 100 रुपये ऐसे मतलब आज वो यूथ 2,000 रुपये कपड़े पहन के कपड़े खरीद सकता है, वो 2,000 रुपये पार्टी में वेस्ट कर सकता है, 2,000 रुपये घूमने फिरने में वेस्ट कर सकता है, वो शराब में नशे करने में अपने पैसे वेस्ट कर सकता है, लेकिन वह अपनी लाइफ सेटल करने के लिए थोड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव था कि आपको लाइफ में अगर कुछ करना है तो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, बिना पैसे इन्वेस्ट किए आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कूप मंडू कुएं के मांडा की बने रहोगे। आप एक ऐसा आदमी बताइए बिना इन्वेस्टमेंट करे बड़ा बिजनेस बनाओ, बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, कोई नहीं है। भूल जाइए पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। थंबनेल तो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि बहुत सारे लोग थंबनेल देख के आ जाते हैं कि हाँ भाई जीरो इन्वेस्टमेंट पैसा मिल रहा है हम तो करेंगे, लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट के ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकें। आप पढ़ाई में भी बिना उसके नहीं कर सकते, आप पढ़ाई करके जॉब के लिए तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको बुक कॉपी खरीदने में पैसा लगेगा, आपको खेती करने में पैसा लगेगा, आपको चाय की टपरी खोलने में पैसा लगेगा। दुनिया में ऐसी कोई फील्ड नहीं जहाँ पे आप पैसे इन्वेस्ट ना करो। तो जब भी अब आपको नहीं खोलना, लेकिन बहुत सारे आजकल डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, आर्टिफिशियल मार्केटिंग, ऐसी बहुत सारी मार्केटिंग चल रही है, उससे रिलेटेड जो एंटरप्रेन्योर्स आपके पास आते हैं वो आपको ऑफर करते हैं, ज़्यादा नहीं वो आपसे मांगेंगे इन्वेस्टमेंट में 1,000 मांगेंगे, 2,000 मांगेंगे, लेकिन अपन लोग क्या करते हैं वो 1,000-2,000 से डर के अपने आप को पीछे ले लेते हैं और इस बिजनेस से उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और लेकिन जिस बंदे को आप ठुकराते हैं वो बंदा आगे चलकर कम लाखों नहीं बोलूंगा लेकिन 1,000 रुपये उस फील्ड से कमा सकता है। तो जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको मनी के बेस पे कभी धुतकारना मत। तो यही है मेरा मोटिव कि इन्वेस्टमेंट लगेगी। मैंने एक वीडियो बनाया था जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, उसमें मैंने बताया था कि आप आप क्या बनना है उसमें ब्रोकर। ब्रोकर का क्या काम था कि आप रूम्स ढूंढ सकते हैं स्टूडेंट के लिए, आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ रूम है, उनसे आप कमीशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टमेंट तो लगेगी ना। मैंने जीरो लगाया था लेकिन आपको पंपलेट छपवाना पड़ेगा। आपको क्या छपवाना पड़ेगा, आप पंपलेट छपवाओगे, ठीक है, आप पूरा मतलब फोटो कॉपी वाला भी निकलवाओगे तो आपको 5 रुपये या 3 मैक्सिमम 3 रुपये तो आपको एक पेज के देना ही पड़ेगा। आपने 10 पेज निकलवाए तो 30 रुपये, भले इन्वेस्टमेंट छोटी हो लेकिन इन्वेस्टमेंट तो लग रही है ना। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि दुनिया में कोई भी ऐसी फील्ड नहीं जहाँ बिना इन्वेस्टमेंट के आप सक्सेसफुल हो पाओ। तो प्लीज़ अब जब भी आपको कोई ऐसा ऑफर दे या आप सोचो बिजनेस करने का तो इन्वेस्टमेंट से ना डरो। अगर आपको बड़ा बिजनेसमैन बनना, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, अच्छा पैसा कमाना है, अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है, तो थोड़े बहुत पैसे तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप पढ़ाई करते हो तो उसमें भी करना ही पड़ेगा। अब आप सोचो कि आपको कलेक्टर बनना है और लेकिन आप NCERT से ही सब कुछ कर लो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको बड़ी ज़्यादा बुक खरीदने के लिए, अच्छी बुक खरीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो बस वही है कि पैसे जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करोगे
अपने आप पे स्किल्स डेवलप करने के लिए अपन को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करो। थोड़े बहुत पैसे 1000-2000 के लिए अपना फ्यूचर खतरे पे मत डालो, आप आने वाली जनरेशन में यही सब आपको आगे लेकर जाएगा। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो या बुरी लगी हो तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी, लेकिन अच्छी लगी तो उस पर इम्प्लीमेंट करिएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। जय हिंद, जय भारत।